हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कोड और डिकोड कूट वाचन की थ्योरी पढ़ ली थी। तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएंगी, उसे ज़रूर देखें। वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है कोड डिकोड के लिए। अब बात करता हूँ क्वेश्चंस की। तो जो क्वेश्चंस है ना, वो महत्वपूर्ण है। वो मैंने क्या किए हैं, बांटे हैं कुछ टाइप्स में कि भाई एक अलग टाइप का है, ये इस टाइप के हैं, ये इस टाइप के हैं। टोटल 5-6 टाइप्स हैं, उनमें सारे तरह के क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाओगे, ठीक है। तो जो पहला टाइप है वो समझने की कोशिश करना। टी फर्स्ट मैं इसको बताता हूँ, वो होता है इंटरनल रीअरेंजमेंट। सर समझे नहीं इंटरनल रीअरेंजमेंट का मतलब। आपको क्या करना है कि देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं उन्हीं का ही पुनरावृत्ति हुई है क्या। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आपको कहा जाए कि पंजाब, PUNJAB, पंजाब को लिखा गया है दोस्त। क्या लिखा गया है, पंजाब को लिख दिया गया है NUP और BAJ, ये लिख दिया गया है। और आपसे पूछा गया कि अब बताओ जयपुर को क्या लिखेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी देखो पी इधर है और इधर भी पी है, इधर यू है इधर भी यू है, इधर एन है इधर भी एन है, जे है ए है ए है, बी है बी है। मतलब क्या किया है क्या किया है कि जो वर्ड्स इधर हैं, जो अल्फाबेट्स इधर हैं, वही अल्फाबेट्स इधर हैं, दोनों में सेम अल्फाबेट्स हैं। तो ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, या फिर इंटरनल शिफ्टिंग कह दूं कि भाई कुछ नहीं किया है, एक इसको उठा के इधर पटक दिया, इसको इधर पटक दिया, इसको इधर इधर पटक दिया। तो आंतरिक ही मामले हैं ये, बाहर से कोई नया अल्फाबेट यहाँ पे नहीं आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल देखना है, इसको लिख दिया पंजाब, इसको इसके नीचे उतार दो। मैं लिखता हूं ये लिखा है NUP और फिर BAJ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं एक मार्कर चेंज करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, P को कहां लिखा है, P यहां से यहां शिफ्ट हो गया, N यहां से यहां शिफ्ट हो गया, U यहां का यहां ही रहा, ठीक है साहब। J यहां का यहां इधर शिफ्ट हो गया, B इधर शिफ्ट हो गया, A इधर शिफ्ट हो गया। एक पैटर्न दिख रहा है, देखो कोड डिकोड में पैटर्न ही है, आप पैटर्न पहचान लोगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे। तो पैटर्न यदि जब सेम वर्ड्स हो तो ऐसे लिख लो, आपको पैटर्न समझ में आ जाता है 80% क्वेश्चन में। 20% क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमें पैटर्न समझ में आ गया कि भाई ये तीन तीन का पेयर है, इनको क्रॉस करना है, बीच वाले को ये लिखना है। तो ऐसा ही काम मैं किसके साथ करूं, JAIPUR इसके साथ कर लूं। अब इसके साथ करूंगा तो मुझे भी पता है कि भाई क्रॉस करके इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ये इधर आएगा, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, ये इधर आएगा, लिख दो, ये इधर आ जाएगा तो आई हो जाएगा, ए का ए रह जाएगा, ये हो जाएगा जे, और ये आर इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा, और सॉरी पी नहीं, इधर तो यू का यू रहेगा और ये पी इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये IAJRUP, ये एक ऑप्शन हो गया इंटरनल शिफ्टिंग का एक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सिंपल होता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, बस अपना माइंड खोल के रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको भी दूंगा ताकि आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन आपको लिखना है, पहले आप खुद बनाओ, वीडियो को पॉज कर दो, खुद बनाओ, फिर आगे जाओ। ऐसे नहीं कि देखते जाओ, देखने से क्या होगा, देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला जो है क्वेश्चन लिखो, आप लिखो MOTHER, मदर को क्या लिखा जाता है, सब मदर को लिखा जाता है SRECHTOM। तो आपको बताना है साहब ब्रोड को क्या लिखेंगे, BROUGST, इसको क्या लिखेंगे, BROUGST इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, वही काम करूंगा कि भाई देखूंगा M इधर है, M इधर भी है, O है, T है, H है, मतलब सारे वर्ड जो अल्फाबेट्स यहाँ हैं
वही अल्फाबेट से आए हैं। तो एक काम करता हूं, एक बार नीचे लिख के देखता हूं कुछ पैटर्न बनता है क्या। तो मैं देखता हूं एस यहां लिख दिया, आर यहां लिख दिया, ई यहां लिख दिया, एच यहां लिख दिया और टी ओ एम, टी ओ एम मैं ज्यादा लिख गया या नहीं? एस कहां से आ गया? अच्छा क्या लिखा है, एस आर टी एच ई ओ एम, ठीक है साहब। ऊपर क्या है, मदर्स है, यहां पे सॉरी एस कर लेना तभी ना, है ना, एस यहां पे लगा लेना, ठीक है। अब देखो एस है, टी है, एच है, फिर क्या लिखा है, टी ओ एम, एस यहां पे मैं क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, यहां पे भूल गया था, इसको ये लिखा है, तो मैंने इसको नीचे उतार लिया। मैं देख पा रहा हूं कुछ नहीं कर रहे सर, कि यार ये एम को इधर भेज दिया इन्होंने, ओ को इधर भेज दिया इन्होंने, टी को इधर भेज दिया साहब, ठीक है साहब। ऐसे ही कुछ और क्या है, एच का, एच है, एच का अपना एच है, ई को इधर भेज दिया साहब, आर को इधर भेज दिया साहब, एस को इधर भेज दिया। तो यही पैटर्न मैं यहां लगा दूं तो क्या करूं, इसमें भी देखो तीन तीन का पेयर बन रहा है, इस तीन का अपना पेयर, इस तीन का अपना पेयर, वही काम यहां करो, इस तीन का अपना पेयर, इस तीन का अपना पेयर, और बीच वाला एकदम अपनी जगह। तो ब्रोट में लिखूंगा तो यू तो अपनी चीज अपनी जगह है। अब देखो ये जो एस है सबसे लास्ट वाला, वो इधर आगे आ रहा है, तो टी इधर आगे आ जाएगा, फिर क्या आएगा, आर आता है, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ये तीन आगे आगे। एम ओ टी का क्या पैटर्न रह रहा है, जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में चला गया, तो बी सबसे लास्ट में चला जाएगा, फिर बचेगा आर, फिर आएगा ओ। ओ देखो ये इसके पास वाला, इसके इधर पास ही रहता है, ओ इधर है, इधर पास आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया, सिंपल सा है, टी एच आर यू ओ जी बी, सिंपल है। जो पैटर्न यहां लग रहा है वही पैटर्न यहां लगा दो। और कराता हूं एक क्वेश्चन और देखने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करना। कुछ जगह ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां आपको समझ में नहीं आएगा पैटर्न ही, देखो कैसे समझने की कोशिश करो। आपको लिखना है केशव है, के ई एस एच ई वी, केशव, इसको क्या लिखा गया है दोस्त, इसको लिखा गया है एस, एस नहीं, केशव को लिखा गया है एस ई के, एस ई के वी ए एच, एस ई के वी ए एच लिखा गया है। तो आपको बताना है डी कोड को क्या लिखेंगे, डी कोड को क्या लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से कर सकते हो। देखो के इधर आ रहा है, के इधर भी आ रहा है, ई इधर आ रहा है, ई इधर भी आ रहा है, एस आ रहा है, एस भी आ रहा है, एच आ रहा है, एच भी आ रहा है, ए आ रहा है, ए भी आ रहा है, वी आ रहा है, वी भी आ रहा है, तो एकदम सिंपल सा है, दिखते ही पैटर्न बन रहा है ये। तो चलो मैं फिर भी बना के बता देता हूं, इसको इसके नीचे लिखो, दैट इज एस ई के वी ए एच, के इधर था इधर चला गया, एस इधर चला गया, ई इधर आ जाएगा, एच इधर चला गया, वी इधर चला गया, ए इधर आ गया। तो सिंपल सा था, जो मैंने एक बार पहले भी आपको करा ही दिया गया है, यही काम डीकोड में कर लेना, डी को ड। तो डीकोड में भी तीन तीन के पेयर बना लो, तीन तीन के पेयर बना के सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ये तो सी ई डी, और ऐसे ही ये भी उल्टे आएंगे, दैट इज ई ओ, सॉरी ई डी, ई डी ओ, दैट इज योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, परंतु अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें इस तरह कोई पैटर्न नहीं बनता हो, उसमें पैटर्न नहीं बनता, उसमें कुछ और चीज बनती है, क्या बनती है वो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फादर को क्या लिखा जाता है, एफ ए टी एच ई आर, फादर को दोस्त लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, ए ई ए ई एफ एच आर टी, ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है मदर को क्या लिखेंगे, एम ओ टी एच ई आर, इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा जोर लगाओ, थोड़ा सा देखो, बच्चा कहता है कि हम इसके नीचे लगा लेते हैं, साहब लगाओ लगाओ, क्या टेंशन है, ए ई एफ एच आर टी, कुछ बन रहा है, ए देखो यहां था यहां चला गया, ई यहां से यहां आ गया, टी यहां से यहां चला गया, एच यहां से ये हो गया, आर का तो कुछ ये ऐसे हो गया, एफ ये आ गया, तो कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा ना, कुछ ऐसा सिंपल अच्छा सा पैटर्न नहीं दिख रहा। तो कुछ और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ, तब दिमाग लगाते लगाते आपको समझ में आएगा, या फिर अब यदि आप देख लोगे इस क्वेश्चन को, पैटर्न समझ लोगे इस क्वेश्चन के पैटर्न का, फिर आप आगे से कभी भी देखोगे इस तरह के क्वेश्चन, तो आपका माइंड चलने लग जाएगा। क्या किया है देखो,
मैं देखता हूं ए ई अलग कर रहा हूं, एफ एच आर टी अलग कर रहा हूं, तो ए ई एक अलग ग्रुप बना रहा है, एफ एच आर टी अपना एक अलग ग्रुप बना रहा है। क्यों बना रहा है? तो आप सबको पता है कि क्या ए ई क्या होते हैं, वोवल होते हैं, स्वर होते हैं, ये तो वोवल के केस हैं, और ये क्या है, ये आपके व्यंजन है ना, व्यंजन होते हैं हिंदी में, है ना। तो ए ई आई ओ यू, आपको पता है इंग्लिश में ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। वोवल्स को भी अलग करा है और साथ में क्या किए हैं, जो बाकी हैं उनको भी, कॉन्सोनेंट को भी क्या किया है, अलग किया है, ठीक है साहब। साथ में एक पैटर्न और लिया इन्होंने, पैटर्न क्या लिया है कि जो वोवल्स दो अलग अलग किए हैं ना, उनमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर रखा है। देखो असली अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ ले तो अब गलत नहीं होना चाहिए। वोवल में भी इसने क्या किया है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर ए ई आई ओ यू, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है, मतलब पहले ए ही आता है एबीसीडी में, फिर ई आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, फिर यू आता है। तो देखो ए लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर आगे देखो एफ एच आर टी में भी उसने अल्फाबेटिक ऑर्डर अपनाया है कि भाई पहले एफ आता है ना, फिर एच आता है, फिर आर आता है, फिर टी आता है। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब आप बनाओ इस क्वेश्चन को, तो मैं सबसे पहले तो इसमें वोवल अलग करता हूं, तो ओ एक वोवल मिलता है मुझे, ई एक वोवल मिलता है, ओ और ई, और कोई वोवल नहीं है। अब इनको सबसे पहले चेंज करो, मुझे पता है ई से पहले आता है, तो सबसे पहले ई लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, ओ लिखूंगा। बाकी क्या बचा, एम, तो एम की प्लेस वैल्यू ध्यान रहे आपको 13 होती है, टी की क्या होती है 20 होती है, एच की क्या होती है 8 होती है, और आर की क्या होती है 18 होती है, है ना। तो आपको ये पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, एच ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 के बाद क्या आता है 13 आता है, यानी एम आता है, एम के बाद क्या आएगा आर आएगा, और फिर क्या आएगा टी आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये पूछा जाता है। ये प्लेस वैल्यू मैंने पिछली क्लास में याद करा दी है, इससे अच्छी ट्रिक आपको कोई बता नहीं पाएगा कि इनको कितना खतरनाक याद किया जा सकता है। आगे इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है साहब। ई ओ एच आर एम आर टी, आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, परंतु बेहतरीन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको भी समझ लेना। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी तो इसमें तो मैंने एक्सट्रीम केस ले लिया कि भाई वोवल को भी अलग कर दिया, कॉन्सोनेंट को भी अलग कर दिया। एक काम और किया जाता है, सिंपल सा होता है कि भाई आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही अरेंज कर दो, वोवल वोवल की कोई चिंता मत करो, सबसे पहले ए आता है, फिर क्या आता है, ऐसे तो बन ही गया ए ई एफ एच आर टी, ठीक है, ये तो बन भी गया है ना। वैसे यदि ऑप्शन में मिल जाता है कि भाई इसको सिंपल सिंपल अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी अरेंज करूं, कि मैं वोवल और कॉन्सोनेंट अलग नहीं कर रहा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही चेंज कर रहा हूं, तो यदि वो भी ऑप्शन में मिलता है तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही चेंज हुआ है। ए आता है सबसे पहले, ई 5, एफ 6, एच 8, आर 18 और टी 20, तो ये भी अल्फाबेटिक ऑर्डर भी है सिंपल, तो वैसा भी ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन और कराऊंगा तब और समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन और समझ में आएगा, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, एक और क्वेश्चन, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं मुझे, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए और कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। चलो पहला ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आर ई ए एस ओ एन, रीजन को क्या लिखा है साहब, रीजन को लिखा है ए ई ओ एन आर एस, एन आर एस, तो आपको बताना है एल ओ वी ई, लव का कोड क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रामायण वाली बात है ही नहीं, आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलो ये आपको ही देने हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है वो ये है कि बी आई के ए एन ई आर, बीकानेर को क्या लिखा जाता है दोस्त, बीकानेर को क्या लिखते हैं, के आई बी ए आर ई एन, तो आपको बताना है पटवारी को क्या लिखेंगे, पी ए टी डब्ल्यू ए आर आई को क्या लिखा जाएगा, ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लो, सिंपल सा है कि भाई राकेश को क्या लिखा है, आर ए के ई एस एच, राकेश को लिखा है दोस्त क्या लिखा है, ए आर ई के ए आर ई के एच एस, ये लिखा है राकेश को, तो आपको बताना है विकास को क्या लिखेंगे,
विकास को क्या लिखा जाएगा, ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये तो तीन हो गए, इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको करने हैं इनके स्क्रीनशॉट आप लेते रहना साथ साथ में, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर 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 देना। अगला जो क्वेश्चन है, हमने कहाँ तक कर लिए थे, राकेश विकास तक। अगला जो क्वेश्चन है वो है कानपुर, KANPUR, कानपुर को अगर लिखा जाए, क्या लिखा जा रहा है दोस्त, कानपुर को लिखा जा रहा है AU KN KNPR, PR। तो आपको बताना है किसको क्या लिखना है, अगेन आपको बताना है पटवारी को क्या लिखेंगे, PATWARI। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है सर। अगला जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखना, वो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ध्यान रखना, डुगडुगी, DUG डुग, फिर DUG डुग, डुगी डुगडुगी, इसको क्या लिखा गया है, GUD गुड, DIGU ये लिखा गया है। तो आपको बताना है पान पराग को क्या लिखेंगे, पान पराग को क्या लिखा, पान पराग जो भी है ये ना, PANPRAK को क्या लिखेंगे, ठीक है। और ये इसके अलावा एक और क्वेश्चन करना है, लास्ट क्वेश्चन, छह क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को। यदि इन क्वेश्चंस को आप एक बार कर पाते हैं तो आप आराम से आगे बढ़ेंगे हम अगले टाइप सेकंड की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कैलेंडर को लिखा गया है CALANDER, कैलेंडर को क्या लिखा है दोस्त, कैलेंडर को लिखा है CLANEDR, लिखा गया है। आपसे बताना है सर्कुलर को क्या लिखोगे, CIRCULAR, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर को आप क्या लिखोगे। तो ये क्वेश्चन सिक्स था शायद तक, है ना। तो छह क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके आंसर देने, आपके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आज आज में मिल जाने चाहिए। कल की क्लास में मैं बताऊंगा आपको टाइप सेकंड और इनके आंसर्स भी। आज की क्लास थोड़ी छोटी जरूर है परंतु महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा आपको एग्जाम से। तो अच्छे से इन छह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मुझे आंसर दीजिएगा और कल हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। इसके अलावा क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना और फेसबुक पे जुड़ जाओ, केशव बानू क्लासेस सर्च करो फेसबुक पे, KBC नाम से हमारा पेज मिलेगा, उसे कर देना लाइक, वहां पे मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो लेता हूं मैं अलविदा, आज नए लेक्चर के साथ जल्द हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।